तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ट्रेलर एक साथ आ चुके हैं। जी हाँ, द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द फ्लैश, इन सबकी मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस फास्ट 10। तो सोचा कि तीनों को एक साथ ही निपटा देता हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज में आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 2001 से चल रही फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस की, जिसका की 10वां पार्ट फास्ट एक्स अब आ रहा है। जोक्स अपार्ट, इस फ्रेंचाइज की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी है, बिलीव मी। ऐसे ही इन्होंने इसके 10 पार्ट नहीं बना दिए। अपने डोम चाचा हर बार अपने ताबड़तोड़ एक्शन के साथ बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर थिएटर्स में तगड़ा माहौल बना देते हैं, और इस बार भी इन्होंने वो कंटिन्यू किया। फास्ट एक्स में हमें इनकी मेन लीड के साथ डीसी के एक्वामैन जेसन ममाओ, मार्वल की कैप्टन अमेरिका बेरी लार्सन, जॉन सीना और अपने रोक भैया, ऐसे काफी बड़े बड़े चेहरे आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। बात करूं इसके ट्रेलर की, तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली, यस, ये लाइन 5 बार इस ट्रेलर में बोली गई है। और ट्रेलर के अंदर जो एक्शन सिक्वेंसेज दिखाए गए हैं, वो देख करके आंखों को सच में सुकून मिलता है। और हाँ, आपको बता दूं कि साइंस और फिजिक्स से इस मूवी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अपने डोम भैया अपनी कार से दो हेलीकॉप्टर्स को खींच रहे हैं, और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सीन्स हमको इसके ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। और बात करो इसकी स्टोरी की, तो वो बड़ी प्रेडिक्टेबल और सिंपल सी है। जेसन ममाओ इसमें विलन का रोल करने वाले हैं, जो कि फास्ट 5 में भी थे, और इनका ये रोल इस फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म से कनेक्टेड होगा। एंड अपने जेसन ममाओ का कैरेक्टर अपनी 5वीं फिल्म से इस फ्रेंचाइज की 10वीं फिल्म में अपना बदला लेने आ रहा है, जो कि डोम की फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, लेकिन ट्रेलर में एक बंदा मिसिंग है, अपने रोक भैया, जिसको कि मेकर्स ने भी हाइड करके रखा है, और हो सकता है कि लास्ट में वो हमको सुपर हीरो एंट्री करते हुए नजर आए। बाकी ये फिल्म 19 मई को थिएटर्स में आने वाली है, बस इन्होंने ट्रेलर थोड़ा ज्यादा लंबा डाल दिया, जिससे कि आधी से ज्यादा मूवी तो पहले ही रिवील हो चुकी है। वेल, होप सो में थिएटर्स में कुछ ना कुछ सरप्राइजेस मिल ही जाए। खैर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेलर की ओर। जी हाँ गाइस, मार्वल ने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का एक नया ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसका की फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। बाकी आधी से ज्यादा स्टोरी तो उन्होंने पहले ही रिवील कर दी थी, और बाकी की जो कसर रह गई थी वो अब इसमें पूरी कर दी। लेकिन इस बार हमें एडम वॉरलॉक के काफी सारे सीन्स देखने को मिले, जिसको कि लास्ट ट्रेलर में बस एक सीन में निपटा दिया था। और बात करूं स्टार लॉर्ड की, तो वो अभी भी अपने पास्ट और प्यार से लड़ रहा है, क्योंकि अपनी नई नेबुला उसको जरा सा भी भाव नहीं दे रही है, उल्टा बोल रही है कि तुम्हारी नजर तो मेरी बहन नेबुला। खैर, जिस पर भी हो, मैं एक्साइटेड हूं मेरे फेवरेट कैरेक्टर रेकून रॉकेट को लेकर के। इसके मरने की काफी सारी लीक्स और फैन थ्योरीज आ रही थी, और शायद वो बात अब सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में सभी लोग खड़े हैं इमोशनल होकर, और अगर वहां से कोई गायब है तो वो है अपना रॉकेट रकून। मार्वल ऐसा ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि मार्वल में एक ही तो बंदा है जिसके जोक्स वाकई में जोक्स लगते हैं। बाकी तुमने एक चीज पर गौर किया, हाई एवोल्यूशनरी इतना परफेक्शन करता रहता है, शायद उसने खुद को कभी मिरर में नहीं देखा। नहीं, मुझे इसके फेस में गड़बड़ लगी, आपको भी ऐसा लगा? वेल, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो अब बात करते हैं फ्लैश की। तो मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है, क्योंकि जैसे ही डीसी की स्टोरी स्टार्ट होती है, पता नहीं कहीं से कुछ तो आता है, सब कुछ वापस से रीसेट हो जाता है। जोक्स अपार्ट, फ्लैश का 2 मिनट 57 सेकंड का ट्रेलर आ चुका है, और अब मार्वल के मल्टीवर्स यूनिवर्स को देखते हुए डीसी भी इस रेस में शामिल हो चुका है, अपने बिल्कुल ही नए और अलग अंदाज में, जो कि मैं बहुत जोर से चाहता था कि हो, कुछ तो हो डीसी का। और अब फाइनली बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि इस मूवी में हमको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन फ्लैश देखने को मिलने वाले। फर्स्ट जिसको नॉर्मल सूट में दिखाया गया, सेकंड जिसने लाइटनिंग सूट पहना हुआ है, एंड थर्ड जिसको आधा ही दिखाया गया है, जो कि ब्लैक सूट में है। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख और खुशी एक साथ हो रही है कि इसमें सुपरमैन नहीं सुपर गर्ल होगी, जिसका नाम है कारा, जो कि सुपरमैन के भाई की लड़की होगी। और तो और इसमें एक अलग यूनिवर्स से मैन ऑफ स्टील के जनरल मिस्टर जोड़ भी होंगे, और दो दो बैटमैन भी होंगे, बेन एफ्लेक इस यूनिवर्स से, और अपने क्लासिक बैटमैन माइकल कैटॉन्स भी। भाई नाम क्यों नहीं आते मुझे इनके, सॉरी यार। तो भाई इतना सब कुछ हमको देखने को मिलने वाला है, ये मूवी डीसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाली है। बात करूं ट्रेलर की, तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में फ्लैश अपने पुराने घर के आगे खड़ा हुआ है, और काफी सैड भी लग रहा है, क्योंकि उसकी और उसकी माँ की पुरानी यादें उस घर से जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट सीन में दो अलग यूनिवर्स के बेरी एलन आमने सामने खड़े हुए हैं, और इस यूनिवर्स का बेरी थोड़ा शॉक लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शॉक लग रहा है। और आगे हमको दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, जो कि शायद साथ में मिलकर अलग अलग डायमेंशन में जाएंगे, और फ्लैश पॉइंट की वजह से फ्लैश ने जो खिचड़ी फैलाई थी उसको सही करेंगे, जिसमें मेन विलन मिस्टर जोड़ और शायद रिवर्स फ्लैश भी हो। बात करूं ओवरऑल ट्रेलर की, तो विजुअल्स काफी मस्त लग रहे हैं, जिनको थिएटर्स में देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये मूवी आने वाली है 16 जून को, कुछ याद आया? हाँ, आदि पुरुष भी 16 जून को ही आने वाली है। तो क्या लगता है आपको, आदि पुरुष के मेकर्स रिलीज डेट पोस्टपोन करेंगे या नहीं? वेल भाई लोग, कुछ भी हो मजा आएगा देखने में, लेकिन अभी इनको आने में काफी टाइम है, तो टेंशन मत लो। टॉप हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।